पढ़ा जाए, एक्ट वन सीन टू। द सेकेंड सीन इज सेट इन डी लेविस बेडरूम। अब डी लेविस के बेडरूम का सीन है। इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज विंसर्स बेडरूम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा विंसर का बेडरूम था। द सीन बिगिंस विद द इन्वेस्टिगेशन बाय द इंस्पेक्टर। इस सीन की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर के इन्वेस्टिगेशन से। ही अरेंजेस द रूम एज इट वॉज एट द टाइम ऑफ द थेफ्ट। वो उस रूम को उसी तरह से व्यवस्थित करता है जैसा चोरी के समय था। देन ही पुट्स ए लॉट ऑफ क्वेश्चन टू डी लेविस अबाउट हिज मूवमेंट इन हिज रूम। अब इंस्पेक्टर डी लेविस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है उसकी मूवमेंट्स के बारे में, उसने रूम में क्या क्या मूवमेंट की, एंड ऑल्सो अबाउट द टाइम वेन ही केम अप। वो टाइम भी पूछा कि वो कब आया रूम के अंदर। द टाइम वेन ही वेंट टू टेक हिज बाथ, कब वो नहाने गया, एंड द टाइम ही स्पेंट इन अनड्रेसिंग, और वो टाइम जो उसने कपड़े बदलने में लगाया। After having completed his investigations, अपनी investigation पूरी करने के बाद, the inspector suggests four possible ways. Inspector ने चार तरीके सुझाए कि चार संभव तरीके क्या थे, in which the money could have been stolen, जिससे कि money चुराया जा सकता था। He then calls up D. Lewis personal servant and asks him also many questions. तब वो D. Lewis के personal servant को बुलाता है और उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है अबाउट हिज मूवमेंट्स, उसके मूवमेंट्स के बारे में। आफ्टर डिसमिसिंग हिम द इंस्पेक्टर चेक्स द कीज ऑफ ऑल द रूम। अब नौकर को वापस भेजने के बाद, डिसमिस करने का मतलब वापस भेजने के बाद, इंस्पेक्टर सारी कीज़ को चेक करता है सभी रूम्स की, अलोंग द कॉरिडोर, कॉरिडोर के साथ साथ, टू मेक श्योर दैट डोर वॉज नॉट ओपन्ड विद वन ऑफ देम, यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि डोर इन कीज से नहीं खोला गया था। After having completed his investigation, अपनी investigation पूरी करने के बाद, inside the room, room में, the inspector goes out, inspector बाहर आता है, to examine the ground outside the house, house के बाहर की ज़मीन को चेक करने के लिए, to search for footmarks, कि वहाँ कहीं कोई पैर के निशान तो नहीं है। As soon as he leaves the room, जैसे ही वो room को छोड़ता है, in the company of Windsor, Windsor के साथ, D. Lewis becomes excited, D. Lewis excited हो जाता है, एंड ही इन हिज एक्साइटेड कंडीशन ही टेल्स जनरल कैनियज, अपनी उस उत्साहित अवस्था में वो जनरल कैनियज को बताता है दैट ही नोज द थीफ, कि उसको पता लग गया है चोर कौन है। जनरल कैनियज इज एस्टोनिश्ड, वो हैरान हो जाता है। ही एक्सप्लेन्स टू द एस्टोनिश्ड जनरल दैट द पर्सन हु स्टोल द मनी वॉज क्लेवर एंड कूल इनफ टू रेंच द क्रीपर नियर द बालकनी इन ऑर्डर टू पुट द पुलिस इन्वेस्टिगेटर इन कन्फ्यूजन। तो वो जनरल को बताता है कि ये जो चोर था बड़ा शातिर था और बड़ा ही कूल था, कूल का मतलब शांत दिमाग का था, कि उसने इन्वेस्टिगेशन को भ्रमित करने के लिए, पुलिस की जांच को भ्रमित करने के लिए, नीचे जो ग्राउंड में लगी क्रीपर है, जो बेल है, उसको कुचल दिया था। डी लेविस टेक्स द जनरल आउटसाइड एंड शोज हिम द डिस्टेंस बिटवीन हिज ओन बालकनी एंड द बालकनी ऑन द राइट। अब डी लेविस जनरल को बाहर ले जाता है और उसको दूरी दिखाता है उसकी बालकनी की और एक राइट साइड में एक बालकनी और थी दूसरे रूम की, उसकी बालकनी के बीच की। द डिस्टेंस इज 7 feet। तो उस बालकनी और डी लेविस की बालकनी में डिस्टेंस थी 7 feet की। देन ही सेज दैट इफ ए मैन कैन टेक ए स्टैंडिंग जंप ऑन टू ए बुक केस 4 feet हाई एंड बैलेंस देयर, इट वुड बी परफेक्टली ईजी फॉर हिम टू जंप फ्रॉम वन बालकनी टू अनदर। आगे वो कहता है कि अगर कोई आदमी 4 feet की अलमारी के ऊपर से कूद सकता है और बैलेंस बनाए रख सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल ही ईजी होगा कि वो 7 feet की बालकनी को कूद जाए। 7 feet दूरी की, ऊंची की नहीं, हाँ। लंबाई की। इन हिज स्टेटमेंट डी लेविस वॉज रेफरिंग टू ए ट्रिक डेंसी हैड परफॉर्म्ड अर्लियर दैट सेम इवनिंग एंड वन ए बैट फ्रॉम डी लेविस। तो डी लेविस यहाँ किस बात का इशारा कर रहा था, उसने उसी दिन 4 feet की छलांग लगा के दिखाई थी ना डेंसी ने, और वो रूम भी डेंसी का ही था। तो उसने कहा कि अगर वो आदमी 4 feet ऊंचाई कूद सकता है, 7 feet लंबी कूद में क्या दिक्कत है। यानी वो उसको हिंट दे रहा था कि डी लेविस हिंट दे रहा था डेंसी के लिए भी वही चोर है। दस ही इनडायरेक्टली सजेस्ट दैट द मनी हैज़ बीन स्टोलन बाय कैप्टन डेंसी। तो वो इनडायरेक्टली यही बता रहा था कि डेंसी है चोर। जनरल कैनियज इमीडिएटली अंडरस्टैंड्स द इंसिन्यूएशन। तो जनरल कैनियज तुरंत इंसिन्यूएशन को समझ जाते हैं। इंसिन्यूएशन वो बात होती है जो इशारों इशारों में कही जाती है, डायरेक्टली नहीं कही जाती है। तो इंसिन्यूएशन क्या था कि डेंसी चोर है, इशारों इशारों में पता, डायरेक्ट नाम नहीं लिया उसने। ही टेल्स हिम दैट डेंसी इज ए सोल्जर एंड ए जेंटलमैन एंड हैंस डी लेविस चार्ज इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो जनरल कैनियज इस बात पर बिलीव नहीं कर सकता या वो मानने को तैयार नहीं है
क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी का है कि डेंसी तो एक अच्छा आदमी है, एक सोल्जर है, एक जेंटलमैन है, तो वो तो चार्ज उसका जो है वो सही नहीं है. डी लेविस नाउ स्पीक्स आउट क्लियरली एंड सेज दैट इट इज़ एन एक्यूजेशन एंड नॉट एन इंसिन्यूएशन. अब डी लेविस सीधा सीधा बता देता है कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, इंसिन्यूएट नहीं कर रहा हूँ, आपको सुझा नहीं रहा हूँ, आपको इंडायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ, सीधा सीधा आरोप है मेरा. ही एक्सप्लेन्स दैट ही हैज़ अंडरस्टूड द ट्रूथ इंट्यूटिवली, और वो समझाता है कि उसने सच्चाई को इंट्यूटिवली समझ लिया है अपनी सहज बुद्धि से ही, उसको पता लग गया अब चोर वही है, डेंसी है. कैनियस सेज दैट अनलेस ही विदड्रू हिज चार्ज ही मस्ट बी कन्फ्रंटेड विद कैप्टन डेंसी. तो कैनियस कहता है कि जब तक वो अपना चार्ज विदड्रॉ नहीं करे, जब उसको कैप्टन डेंसी का सामना करना चाहिए, तब तक अपना चार्ज वो नहीं लगा सकता. वो कहता है आपने सामने बात करो एक बार फिर पता लगेगा. डी लेविस हाउएवर इज़ नॉट एट ऑल फ्राइटेंड बाय दिस थ्रेट. तो डी लेविस को इस थ्रेट से कोई डर नहीं लगता, वो कहता मैं आ जाऊँगा सामने. जनरल कैनियस फील्स दैट डी लेविस हैज जंप टू ए कंक्लूजन विदाउट एनी प्रूफ. कैनियस को ये लगता है कि डी लेविस बिना किसी प्रूफ के कंक्लूजन ले लिया है, इसने अपना निर्णय ले लिया है. इट इज़ ए मैड थिंग टू डू, उसके हिसाब से ये पागलपन है. बट डी लेविस सेज दैट डेंसी जंप्ड टू मोर फुलिश कंक्लूजन. डी लेविस कहता है कि डेंसी इससे भी ज़्यादा फुलिश कंक्लूजन पे पहुंचा हुआ है. क्या था डी लेविस मीन्स टू से, उसका कहने का मतलब है दैट डेंसी परहैप्स थॉट दैट इवन इफ द थेफ्ट वर डिस्कवर्ड, कि डेंसी ने शायद ये सोचा है कि अगर उसकी चोरी पकड़ी भी गई, नो वन वुड डेयर टू एक्यूज हिम, कोई उस पर आरोप नहीं लगाएगा, बिकॉज ही इज ए मेंबर ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, क्योंकि वो उच्च खानदान का आदमी है. तो वो कहता है कि मेरा तो कंक्लूजन आपको ऐसा लग रहा है ना, उसका कंक्लूजन ये है, उसका मेरे से भी ज़्यादा फुलिश है. बट दिस कंक्लूजन ऑफ डेंसी वॉज मोर फुलिश देन डी लेविस कंक्लूजन दैट डेंसी हैड स्टोलन हिज मनी. तो वो कहता है कि मेरा जो कंक्लूजन है, डी लेविस का जो कंक्लूजन है, वो कम फुलिश है बजाय कि डेंसी के. डी लेविस ऑल्सो सेज दैट इफ ही हैड स्टोलन द मनी फ्रॉम डेंसी द बिहेवियर ऑफ द पीपल वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. आगे वो डी लेविस एक बात और कहता है कि अगर उसने चुराया होता ना पैसा, तो आप लोगों का व्यवहार बिल्कुल अलग होता, यानी मैंने चुराया होता तो, क्योंकि मैं ज्यू हूँ. ही मीन्स टू से दैट द इंग्लिश पीपल वुड हैव सेंट हिम टू जेल विदाउट एनी हेजिटेशन. वो कहता है कि मुझे तो अब तक जेल भेज दिया होता आपने, उसका बचाव कर रहे हो. जनरल कैनियज एक्सप्लेन्स दैट हिज बिहेवियर टूवर्ड्स डी लेविस इज नॉट स्पेशल और स्ट्रेंज. लेकिन जनरल कैनियज कहता है कि उसका व्यवहार डी लेविस के प्रति स्पेशल या स्ट्रेंज नहीं है. He says that he feels that since they are staying in Windsor House, they have a duty to protect his reputation. तो आगे वो कैनियस ये कहता है कि क्योंकि हम विंडसर के हाउस में रह रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी रेपूटेशन को प्रोटेक्ट करें. Besides, since they are members of a civilized and cultured group, they must not violate the spirit of cooperation that exists among its member. आगे वो और भी बोलता है कि वो सभी सभ्य समाज के हिस्से हैं, सब मेंबर्स हैं, हमारा ग्रुप कल्चर्ड है, तो हमें ये जो आपसी सहयोग की जो भावना है, इसको वॉयलेट नहीं करना चाहिए, इसको खराब नहीं करना चाहिए. दैट एग्जिस्ट अमंग इट्स मेंबर्स. डी लेविस मेक्स एन इंसल्टिंग रिमार्क दैट मेक्स जनरल कैनियज वेरी एंग्री. इस पर डी लेविस एक बड़ा ही इंसल्टिंग रिमार्क करता है, तो जनरल कैनियज को गुस्सा कर देता है. Nevertheless, he explains to D. Lewis very patiently that if this accusation had been made in the old days of swords, when people fought duels with those who tried to destroy their reputation by false accusations, either Dancy or D. Lewis would have been killed in the duel. तो जनरल कैनी उससे एक बात और कहता है कि अगर तुमने यही आरोप पुराने दिनों में लगाया होता तो क्या हो जाती, लड़ाई हो जाती आमने सामने की, ड्यूल हो जाता. ड्यूल का मतलब दो जनों का युद्ध, द्वंद जिसको कहते हैं. पुराने टाइम में ऐसा ही होता था न्याय. तो फिर कहता वो तुम्हारे बीच में तलवारें खींच जाती अगर तुमने इस तरह से उसकी इज्जत पे कीचड़ उछाला होता, तो तुम्हारी आपस में लड़ाई होती, फिर पता लगता कि कौन सही है. आइदर डेंसी और डी लेविस वुड हैव बीन किल्ड इन द ड्यूल, और तुम दोनों में से एक मर भी जाता. नाउ इन द प्रेजेंट डे सोसाइटी बोथ ऑफ देम वुड लॉस्ट देयर प्रेस्टीज एंड गुड रेपुटेशन. आजकल की दुनिया में सोसाइटी, आज की जो सोसाइटी है उसके अंदर तुम दोनों ही प्रेस्टीज और रेपुटेशन खो दोगे. यानी पहले वाला ज़माना होता तो तुम एक मर जाता तुम में से, लेकिन अब तुम दोनों ख़राब हो जाओगे, दोनों का ही नाम खराब होगा, कोर्ट में केस चलेगा, पुलिस आई है. इसलिए जनरल कैनियज ट्राइज इज बेस्ट टू परसुएड डी लेविस टू विदड्रॉ हिज एक्यूजेशन. तो जनरल कैनियज बहुत कोशिश करता है कि डी लेविस अपना आरोप वापस ले ले. डी लेविस रिफ्यूजेज टू डू सो, वो मना कर देता है. When Windsor comes into the room, Kenyon is forced to tell him about the accusation. जब विंसर
कमरे में आता है तो कैनियज मजबूर हो जाता है उसको आरोप बताने के लिए कि भाई डी लेविस तो ये आरोप लगा रहा है, विच शॉक्स विंसर ऑल्सो। तो विंसर को जब पता लगता है कि डेंसी ने चुराया है तो उसको बड़ा शॉक लगता है। देन बोथ विंसर एंड कैनियज ट्राई टू डिसुएड डी लेविस फ्रॉम हिज फुलिश एक्यूजेशन बट वेन। तब दोनों ही उसको मनाते हैं भी ऐसा मत करो, उसके आरोप मत लगाओ, लेकिन डी लेविस जो है वो नहीं मानता, सारी चीज़ें उनकी व्यर्थ जाती हैं। कैनियज डिसाइड्स दैट दे मस्ट इन्फॉर्म डेंसी। कैनियज अब डिसाइड करता है कि इस बात का डेंसी को बताया जाए अब, एंड हैंस डेंसी इज कॉल्ड इन। तो डेंसी को बुलाया जाता है। ऑन हिज अराइवल कैनियज आस्क्स हिम ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जब वो आता है कैनियज उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ ही न्यू दैट डी लेविस हैड ऑब्टेंड द मनी फ्रॉम कैंटमैन द बुकी। डेंसी डिनाइज एनी नॉलेज ऑफ द मनी। तो जब वो डेंसी आता है तो कैनियज उससे पूछता है कि यार तुम्हें पता है वो पैसे कहाँ से लाया था, उसके बारे में, कैंटमैन के बारे में पूछता है, बुकी के बारे में पूछता है, अभी कुछ पता है उसका। तो डेंसी क्या कहता है, मुझे नहीं पता अभी उसके पास पैसे कहाँ से आए थे। आफ्टर हिज डिपार्चर, क्योंकि चोरी तो वही करेगा जिसको भेद हो, जिसको पहले से पता हो गया जिसके पास पैसे आए हैं, चुराए जा सकते हैं, तो डेंसी को पता तो होगा डेफिनेटली। आफ्टर हिज डिपार्चर कैनियज वार्न्स डी लेविस नॉट टू से एनीथिंग टू द पुलिस इंस्पेक्टर हु कम्स इन सून आफ्टर। तो जब वो चला जाता है डेंसी, तो कैनियज चुनौती उसको धमकाता है डी लेविस को कि पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ मत बताना जब वो यहाँ आए। After the inspector's departure, while D. Lewis is not present in the room, Kenyes informs Windsor and that Dancy's coat sleeves was wet. तो जब इंस्पेक्टर चला जाता है, जब D. Lewis वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, Kenyes Windsor को बताता है कि Dancy की coat sleeves गीली थी। आया था ना अभी Dancy, उसने नोट कर ली होगी बात कि उसकी स्लीव्स गीली थी, उस दिन बरसात भी हो रही थी। Windsor tries to explain this away by offering different explanations, but Kenyes does not accept any one of them. तो विंसर उसको बताता है कि किसी वजह से हो गई होगी गिली, तरह तरह की चीज़ें बताता है, लेकिन Kenyes कोई भी चीज़ को मानता नहीं है। This shows that Kenyes begins to suspect Dancy of the theft. तो इससे पता लगता है कि Kenyes को भी अब शक हो गया था, अभी चुराया तो Dancy नहीं है। Nevertheless, Windsor and Kenyes agree that D. Lewis accusation is intolerable. लेकिन फिर भी दोनों इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि डी लेविस का जो आरोप है वो इनटॉलरेबल है, ऐसा नहीं है, इसको सहा नहीं जा सकता, क्योंकि डेंसी की रेपुटेशन अच्छी है। इसलिए डी लेविस इज कॉल्ड बैक इनटू द रूम बाय कैनियज एंड इन्फॉर्म दैट हिज एक्यूजेशन हैज़ बीन मेड विदाउट एनी प्रूफ। डी लेविस को वापस बुलाया जाता है और कैनियज के द्वारा, और उसको बताया जाता है कि डी लेविस को बुलाया जाता है और उसको बताया जाता है तुम्हारा जो एक्यूजेशन है उसमें कोई प्रूफ नहीं है और उसको दोबारा मत लगा देना। व्हेन डी लेविस रिफ्यूजेस टू लिसन दिस आर्ग्यूमेंट कैनियज टेल्स हिम दैट ही वुड बी टर्न्ड आउट ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी इफ ही मेक्स दिस एक्यूजेशन पब्लिकली। तो डी लेविस जब मना करता है कि नहीं मैं तो आरोप लगाऊंगा, तो उसको ये धमकी देते हैं कि तुम्हें इंग्लिश सोसाइटी से बाहर कर दिया जाएगा अगर तुमने इस आरोप को पब्लिक कर दिया, आरोप को सबके सामने लगा दिया। डी लेविस रियलाइजेज दैट ही इज़ बींग ब्लैकमेल्ड। उसको लगा कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ही सेज नो सो क्लियरली, वो ये बात सही सही बता देता है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। बट कैनियज एक्सप्लेन दैट इट इज़ नॉट ब्लैकमेल्ड। कैनियज कहता है ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, इट इज़ ओनली वन अटैम्प्ट टू प्रोटेक्ट द एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी फ्रॉम ए पर्सन हु डज नॉट बिहेव इन ए जेंटलमैनली मैनर्स। तो वो कहता है कि हम एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उस आदमी से जिसमें कोई मैनर्स नहीं है। डी लेविस में मैनर्स नहीं है। हाँ, Realizing his difficulty, D. Lewis agrees that he would not repeat the accusation unless he got more proof. तो फिर उसको लगता है कि दिक्कत होने वाली है मेरे को, तो वो फिर क्या कहता है कि अभी मेरे को प्रूफ इकट्ठा कर लेने दो, फिर मैं आरोप लगाऊंगा।